को सावरकर के लिए जब मैंने मैसेज भेजा छह महीने लग गए थे अब मैं कभी मना नहीं करूंगी ना। क्योंकि मैं ना, मैंने गलतियां की है बाजीराव का गाना रिजेक्ट कर दी थी मैडम बाजीराव में गाना ऑफर हुआ था भाई खुशी की बात हो गई ना तो अचानक जाएगी और कुछ प्ले करेगी डांस और डांस <laughs> <और दान्स> करना शुरू <laughs> कर ये है लड़की इसको लो इट oh वॉज Was... मैं उस टाइम भी डबल रोल कर रही थी और जिसमें मैं उतनी ही की बुद्धि बताई और मैंने वैसे ही बाल सफेद किए थे जहाँ लोग इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं ही नहीं दिया गया कि तुम चापलूसी करो पैर दबाओ रोज रात को जाके उनके साथ तो कांग्रेस ने इनके हिस्ट्री को दबा दिया था उनके प्ले भी आए तो मनी शंकर जी ने उसको बैन करवा दिया था

2020 में सोचा मतलब सोचा तो बहुत पहले से था और पर हर लोगों ने रिजेक्ट किया इस फिल्म को हर एक इंसान ने इस फिल्म को मुझे पहले ही डरा दिया कि मत करो ये फिल्म आई थिंक सबसे इजी कन्विंस भी नहीं, नहीं मतलब मैंने अप्रोच और हाँ बोल अंकिता ही थी सबसे इजी आई थिंक अदरवाइज एवरीबडी वॉज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि जब मैं ये फिल्म किसी के पास भी लेके जाता था कि मुझे ये फिल्म बनानी है तो बोलते थे कि मत बनाओ तो रीज़न नहीं बहुत सारे हैं तुम बर्बाद हो जाओगे तो मौला ठीक है कोई बात नहीं तो बहुत कोशिश करने के बाद फिर धीरे 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 बहुत मुश्किल से पैसा आया ये फिल्म और बहुत ही अच्छी बजट में बन गई ये फिल्म और क्योंकि लोगों को फिल्मों से तो आजकल मतलब है नहीं है लोगों को रिकवरी से मतलब है रिकवरी हो जाए पिक्चर भले ख़राब बन जाए तो और उसके बाद बट ऑब्वियस मैंने अंकिता को फ़ोन किया उसके घर चला गया सेम मतलब आई थिंक इन टेन मिनट्स और उसके बाद मैंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं पर मेरे पास रोल है शीचर मैंने पैसे कब मांगे आपसे और ये फिल्म कर लिया उसने मेरे लिए एक भी पैसे नहीं लिए आई थिंक मैं संदीप के विजन यस यस एब्सोल्युटली मुझे लगता है मैं संदीप का जो विजन है टूवर्ड्स मूवीज यू नो मैं वो जो पैशन देखती हूँ मुझे जब से मैं संदीप से मिली हूँ यू नो डे वन से मुझे हमेशा संदीप पे एक ना एक ट्रस्ट रहा है कि <laughs> ही इज़ वेरी स्ट्रांग एज अ क्रिएटिव ही इज़ वेरी ही एज़ अ ब्रेन यू नो जो वो फिल्म्स को जिस नज़र से देखता है मुझे हमेशा उसकी उस नज़र पर बहुत विश्वास है yeah. तो जब भी संदीप किसी चीज़ को मेरी तरफ लेकर आते हैं तो आई नो कि ये क्या देख रहे हैं मुझ yeah. में और संदीप के साथ यू नो पैसे वैसे की बात करना और ये सारी चीज़ें करना मुझे मुझे लगता है कि मैं

को सावरकर के लिए जब मैंने मैसेज भेजा क्योंकि हमने किया हुआ था साथ में 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 महीने लग गए थे उनका रिप्लाई रिप्लाई आने में। नहीं, नहीं, रिप्ला आने में क्यों <laughs> नहीं।, 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 नहीं नहीं मतलब कि ऐसे हाँ, ऐसे बनाते हैं है, है, है। उसने कहा था कि चलो ये फिल्म करते हैं बट एट दैट नॉट द डायरेक्टर डायरेक्टर ऑफ द फिल्म जब मैंने अंकिता को भी अप्रोच किया था महेश मानसेकर ही थे डायरेक्टर बट ट्रेलर ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था आई रिमेंबर जब ट्रेलर रिलीज हुआ म्यूजिक की अलग से तारीफ हो रही है द सीक्वेंस जिस तरह से ट्रेलर को प्रेजेंट किया गया वो लोगों ने बहुत पसंद किया था आई थिंक तभी से इस फिल्म को लेकर वो एक्साइटमेंट थी लोगों में एंड देन अगेन जब भी हम लोग इंडिपेंडेंस की बात करते हैं हम सब ने हिस्ट्री जितनी पढ़ी और जितनी आज के टाइम में थोड़ी बहुत बिट्स एंड पीसेस में याद है तो so, हमें महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस इनके नाम हमारे टॉप ऑफ द माइंड में रहते हैं बट आई थिंक

तो कांग्रेस ने इनके हिस्ट्री को दबा दिया था उनके प्ले भी आए तो मनी शंकर अय्यर जी ने उसको बैन करवा दिया था और लोगों में हिस्ट्री की किताब में सावरकर जी नहीं है आज वो किताब सिनेमा बन के बाहर आई है और इसके लिए वो फ्रीडम नहीं था कि सावरकर जी पर फिल्म बन पाए क्योंकि जब प्ले भी आया तो भी वो बैन हो चुका था बल्कि फुल हो गया था वो प्ले पर आई थिंक जब मुझे ये मौका मिला तो मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक सबसे पहले कह देना चाहिए एक और टॉपिक बचा है जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बनाऊँ क्योंकि वो टॉपिक का वक्त आ चुका है पर आई थिंक सच्चाई सिनेमा में सिनेमा सबसे बड़ा माध्यम होता है सूचना पहुंचाने का सबसे बड़ा एक नेता के भी रैली में इतने लोग नहीं आते हैं जितने लोग एक दिन थिएटर में जाते हैं तो मेरे हिसाब से सिनेमा को थोड़ी इज्जत और मिलनी चाहिए थोड़ा वैल्यू मिलना चाहिए और एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं बहुत दिल जान अपने फैमिली से दूर जाके अब अंकिता मुंबई में तो नहीं पैदा हुई है वो इंदौर से आई है और अपने बिना माँ बाप के यहाँ पे रहती थी छोटे से घर में फिर ऑडिशन देती थी फिर सीरियल्स करती थी इस तरीके से हम सब ऊपर आए शी इज एन आउटसाइड मतलब शी इज़ नॉट भट और जौहर लोखंडे <laughs> <laughs> तो बहुत मेहनत करना पड़ता है आपको कितने लोगों को मनाना पड़ता है चापलूसी करनी पड़ती है काश कर लेती तो और बड़ी बड़ी पिक्चरें करती <laughs> तो ये सब नहीं सिखाया गया ना क्योंकि वो परवरिश ही नहीं दिया गया कि तुम चापलूसी करो पैर दबाओ रोज रात को जाके उनके साथ बैठो पार्टी करो तो वो सब करने नहीं आया पार्टी मतलब हम लोग बर्थडे ही मनाते थे खाली घर पे खुद ही सजाते रहते थे और बर्थडे का केक काटते रहते थे हम लोग बट आई थिंक शी इज़ अ फैबुलस एक्टर फैबुलस

अगर हम फिल्म की स्पेसिफिकली बात करें right. या फिर कुछ ऐसे भी आए जो आप खुद नहीं करना चाहती थी यू यू हैड टू से नो चाहते थे मुझे हाँ अब तक नहीं देखा फ्रेंकली yeah. मुझे कभी ऐसे जैसे मैं एक होता है ना कमर्शियल हीरोइन एंड मुझे ऐसा लगता है कि uh, मुझ में वो हर क्वालिटी है जो मैं यू uh, नो you know, उस तरीके से फिल्म कर सकती हूँ लेकिन मुझे कभी आए नहीं लेकिन मुझे जो जो मैंने फिल्म की हैं Uh, मैंने बहुत uh, सोच समझ कर वो फिल्म yeah. है कि शायद यू you नो know, ये मेरा यू you नो know, इस तरीके के स्ट्रॉन्ग रोल्स मेरे पास आते हैं एंड आई एम यू नो पीपल सी मे दैट वे तो मैंने हमेशा उस चीज़ को uh, जैसे सावरकर में भी अगर यमुना बाई का किरदार था इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल टू परफॉर्म यू नो और uh, मैंने कभी इस तरीके का रोल किया नहीं था जैसे मैं सिक्सटीन टू सिक्सटी यू नो एक ग्राफ दिखाऊँ अपनी जर्नी का मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि बुढ़ा बन के उस तरीके से फील करना यू you नो know, इमोट करना इट्स नॉट ईजी उतना आपका वॉइस मॉड्यूलेशन आपकी बात करने का तरीका बहुत अलग अलग चीजें होती है तो मैं कभी साठ साल की हुई नहीं हूँ यू नो और मैंने कभी मतलब देखा नहीं है इस तरीके से अपने आप को तो वो करना मेरे लिए, लिए बहुत चैलेंजिंग था लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अब

इतनी वो थी वो अपने वो अपने हस्बैंड अपने परिवार में इतनी लगी रहती थी कि शायद वो हो जाता था और जिस तरीके की जर्नी यमुना बाई की रही है यू नो you know, तो आई एम श्योर वो वैसी ही दिखती होंगी तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं हंड्रेड परसेंट दूँ लेकिन हाँ अब तक मुझे जैसे रोल्स चाहिए वैसे अब तक ऑफर हुए नहीं है लेकिन आई एम श्योर जब आपके पास ऐसे ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं पास में दोस्त तो है।, है ही बट जो कि प्रोड्यूसर भी है एंड संदीप ने हमेशा मुझे बहुत अच्छे अच्छे रोल ऑफर किए लेकिन कभी शायद मेरा वो टाइमिंग हम दोनों का मैच नहीं हुआ लेकिन दिस वॉज अ फिल्म बाजीराव का गाना रिजेक्ट कर दी थी मैडम बाजीराव में गाना ऑफर हुआ था भाई हाँ, पर वो कुछ सरकमस्टेंसेस थे इसीलिए कोई सरकमस्टेंसेस है किसी अपने ने बोल दिया मत करो नहीं किया और फिर संजय सर को बोलती आई विल प्ले अ जूनियर आर्टिस्ट इन योर फिल्म मैं मतलब मैं संजय सर से मिलने गई थी रही रही और मैंने उनको बोला था आई एम सॉरी सर मुझसे ये हो गया तो एंड व्हेन यू गो टू मीट अंकिता एट अ प्लेस ना यू हैव टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड मतलब सडनली कुछ खुशी की बात हो गई ना तो अचानक जाएगी और कुछ प्ले करेगी डांस uh, <laughs> और डांस करना शुरू कर देगी

ियल थी फर्स्ट डिरेक्टोरियल थी, और मैंने ही संदीप को बोला था संदीप यू हैव टू डेक्ट दिसीप को बोला और था और खुद ही नहीं थी इंडस्ट्री <laughs> <primary age, so laughs> में सबसे पहली, पहली बार मुझे किसी ने बोला ना कि I feel that he has that in him. और ये कर, ये कर अभी तो शुरुआत है इनकी एक दिन मुझे याद है, ये दिस ब्रेक है। कि अंकिता मैं और सुशांत ना बहुत बार कई रातें साथ में मतलब रहते थे एक ही रूम में तो एक दिन आ, ये शूट पे गई थी पवित्र रिश्ता पे और आ, मैं और सुशांत घर पे ही थे तो मैं ना जान के रोज ऐसा बोलता था क्योंकि मेरा घर बहुत दूर था ये लोग अंधेरी में रहते थे यार आज तबीयत बहुत ख़राब लग रहा था ऑटोमेटिकली अंकिता सुशांत बोलते था। तो फिर यहाँ आ जाओ ना रहने बहुत <laughs> <laughs> अच्छा लगता संदीप है मज़ा आता था क्योंकि इतना बातें करता था ना और हमारी ट्यूनिंग थी संदीप सदीप तो एक फिल्म आई थी और एक फिल्म बन रही थी और बहुत बड़ी सुपरस्टार के साथ और बहुत बड़ी डायरेक्टर के साथ तो दोनों ही मेरे दोस्त थे एक्टर भी और डायरेक्टर भी और उस समय मैं रामलीला की शूटिंग कर रहा था तो मैंने कहा कि यार आपकी फिल्म में एक नई लड़की को लॉन्च कर रहे हो ये है लड़की इसको लो तो शी वेंट एंड शी जस्ट मेट द डायरेक्टर एंड यू नो वॉट वॉज दैट फिल्म इट ठीक है ऐसे इसकी किस्मत में बहुत आई थिंक वही मेरे को लगता है कि सबकी वही जर्नी जैसे हम बात कर रहे हैं कि जिसके में जो होता है वो उसे मिल जाता है जिसके में नहीं होता पर हम लोगों ने सेलिब्रेट कैसे किया था मुझे याद भी याद है मुझे कैडबरी लाके दी थी संदीप और फ्लावर्स का बुके था और उन्होंने लाके दिया वो बोले कांग्रेचुलेशंस रानी भाई यू हैव बीन सिलेक्टेड आपको इसके अंदर रणदीप हु ने डायरेक्ट किया आपकी लास्ट फिल्म मनी करने का भी थी जिसमें कंगना ने डायरेक्ट किया दोनों एक्टर्स रहे है ना बट आपने सबसे मेजर डिफरेंस क्या देखा दोनों की डायरेक्शन में न, आई थिंक कंगना अगर एक वुमेन टू वुमेन बात करें तो शी अंडरस्टूड मी वेरी वेल यू नो क्योंकि वो मुझे वैसे भी पर्सनली बहुत जानती थी और जब वो उस uh, चेयर पर बैठी एज अ डरेक्टर तो यू नो कहीं ना कहीं वो मेरे इमोशंस को बहुत समझती थी लेकिन रणदीप एज अ डरेक्टर ही वॉज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हिज वो यू नो कंगना भी स्ट्रिक्ट थी लेकिन कंगना

तो मैंने सच में संदीप की मैं आज भी संदीप पे यही बोलती हूँ कि मैं आंखें बंद करके संदीप मुझे कोई स्क्रिप्ट ला के देगा अब मैं कभी मना नहीं करूंगी मैंने ना मैंने गलतियाँ की है और मैं आगे की जिंदगी में रिग्रेट नहीं करना चाहती मैंने ये मना कर दिया वो मना कर दिया अब मैंने डिसाइड किया संदीप जो बोलेगा वो मैं कर लूंगी

बहुत गर्व है इस चीज़ का कि लोग मुझे आज भी अर्चना बोलते हैं क्योंकि मैं खुद बहुत अर्चना से जुड़ी हुई हूँ यू नो और कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुझे ज़िंदगी भर पवित्र रिश्ता में अगर मैं अर्चना नाम की पहचान में जाऊंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उस शो ने हिस्ट्री क्रिएट की और आज भी अगर मैं लोगों के लोगों का थोड़ा बहुत प्यार जो मुझे थोड़ा बहुत ही बहुत प्यार जो मुझे मिलता है वो कहीं ना कहीं पवित्रिश्ता की वजह से तो आई विल मैं कब मैं मैं वो नहीं हूँ कि मैंने टी सीरियल मुझे बहुत प्राउड है टी इंडस्ट्री पर आई फील वेरी प्राउड दैट आई एम अ टी वी एक्ट

टीवी इंडस्ट्री सो वेल मतलब मैं जुड़ी हुई हूँ यार आप लोगों से और मैं कभी अलग नहीं हो सकती तो मैं यहाँ टी वी करूँ फिल्म करूँ मेरे लिए माध्यम कोई भी हो यू नो आई एम परफॉर्मिंग यू नो आई एम एन एक्टर मैं यहाँ परफॉर्म करूँ वहाँ परफॉर्म करूँ मेरे लिए माध्यम कोई मैटर नहीं करता सबसे अच्छी बात क्या पता है कि लोग बहुत सारे रोल्स बहुत सारा काम नहीं करते हैं बिकॉज वो इमेज कॉन्सियस हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि वो एक्टिंग करने के लिए आए थे ये बोल रही है इसको प्ले दो टीवी दो कुछ भी सीरियल दो सीरीज दो, दो फिल्म yes. दो रीजनल फिल्म दो एवरी थिंग इज ऑल अबाउट परफॉर्मिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ जब मैं पवित्र रिश्ता करी थी बहुत साल पुरानी बात है जो आज मैं बुढ़ी बनकर यू hmm. नो you know, मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूं। मैं

इस फिल्म में भी मेरा 16 इयर्स से लेके 60 इयर्स का ग्राफ है yeah. तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक एक अलग चीज थी करने के लिए यार हर एक्टर को वो मौका भी नहीं मिलता कि आप 16 साल के भी दिख रहे हो एक फिल्म में और एक साल में आप इसी फिल्म में आप 60 70 साल के दिख रहे हो तो फॉर मी इट्स अ बिग थिंग एंड आईव प्लेड इट अच्छा वन लास्ट क्वेश्चन ये जो जर्नी हमने आपकी देखी है एंड अभी लास्टली मुझे याद है क्योंकि इस तरह के शोज को हम पर्सनली एज एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट बहुत फॉलो करते हैं yeah. uh, रोज कुछ ना कुछ अपडेट्स वी यूज टू शेयर एंड बिग बॉस पे रोज दो वीडियोस हमारी होती होती थी और पर्सनल लेवल में मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कितना चेंज किया है उस शो ने बिकॉज एक ऐसे घर में जाना एंड देन यू वेंट विद योर हस्बैंड एक ऐसे घर में जाना जहा आप, आपको अपना वो रिलेशनशिप भी संभालना है थ्रू आउट बिकॉज दैट्स द क्लोजेस्ट वन टू योर हार्ट जहां पर फोन नहीं है इंटरनेट नहीं है किसी से छुप के रो नहीं सकते हैं सब yeah. कुछ दिख रहा है कितने मैं ना कहीं ना कहीं फोन के बिना बहुत खुश थी ah. और मैं अपने पति के साथ थी वही खुश थी शायद लड़ रही थी झगड़ रही थी लेकिन उसके साथ थी मैं खुश थी मुझे वो नहीं था लेकिन अफकोर्स मुझे उस घर ने एक चीज बहुत अच्छे से सिखाई कि यू नो You um, You 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 have 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 to to be patient. You know, know, you have have a patience in your life. You can't just, मुझे अब ऐसा लगता है कहीं कहीं मुझे अपने इमोशंस इतने ओवर नहीं होने चाहिए यू हैव टू कंट्रोल सम वेयर योर इमोशंस और उसको बैलेंस करते आना चाहिए अंकिता की जिम्मेदारियाँ बिग बॉस जाने से पहले ना अंकिता ने मुझे फ़ोन किया बोला संदीप मैं इसलिए फोन की हूँ कि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ तो घर पे आते रहना मम्मी का ध्यान देना हाँ। और ये देख लेना वो देख लेना कभी कभी आके घर पे रुक जाना और हाँ तो खाने खाने का जो मन होगा ना संदीप बोल देना पहले से ही बोल देना क्योंकि तुम फिर लास्ट मिनट में आके मत बोलना <laughs> मतलब तुम जाओ ना शांति से बाकी सब हम लोग पे छोड़ दो मुझे लगता है मम्मी यू नो क्योंकि मेरे पापा की भी सडनली यू नो थोड़े टाइम पहले डेथ हुई थी और अगस्त में डेथ हुई और मुझे अक्टूबर में जाना था यू नो you know, तो मेरे लिए बहुत भारी था जाना यू you नो know, सच में ऐसा लगता मम्मी को कैसे अकेले छोड़ किया था कि ना हाँ, एक of है of है course, है। course, बिल्कुल मैंने मैंने विकी ने डिसाइड कर लिया था कि विल नॉट गो और हमने चैनल से भी बात कर ली थी बट देन यू नो वी थॉट कि मम्मा ने बोला कि नहीं पापा होते तो वो ये भी बोलते काम नहीं छोड़ना यू नो तो हम दोनों ने फिर डिसाइड किया और फिर मैंने संदीप को सिर बोला मम्मी का ध्यान रख लेना है क्योंकि एक बार भी कोई बात कर लेना तो अच्छा लगता है क्योंकि मम्मी अकेली एकदम बॉम्बे में यू नो तो मेरे लिए था बट या यही वस्त Yes, और definitely. हम लोग मम्मी <laughs> मेरा जगड़ा, जगड़ा हो गया बोला, आपकी ने बोला अगर वो होते तो वो चाहते एंड आई थिंक सबके पेरेंट्स इस एक चीज़ करक, पर तो बिल्कुल सेम है वो नहीं चाहते कि बच्चों के काम पर कॉम्प्रोमाइज हो कहीं ना कहीं और इसी के साथ मुझे बहुत इशारे किए जा रहे हैं कि खत्म करो खत्म करो एंड आई है Uh, लेकिन uh, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने फिल्म देखी है वीर सावरकर एंड आई लव द फिल्म एंड अंकिता योर कैरेक्टर वॉज आई डोंट नो जब भी मैंने आपके कैरेक्टर को देखा ना तो आपको एक अंदर से वो इमोशंस फील होते हैं बिकॉज एक औरत के ऊपर क्या बीत रही होगी थ्रू आउट इतने साल वो उस चीज़ में yes. अकेले रही है एंड देन सपोर्ट भी करना है एंड देन आपका एक मेंटल ब्रेकडाउन वाला एक सीन है स्पेसिफिकली जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी मैं उनको बता दूँ कि इस सीन में बहुत अच्छे से आपको दिखेगी दिखेगा कि किस तरह से उन्होंने इस कैरेक्टर को जिया एंड आई लव यू इन दैट सीन स्पेसिफिकली एंड आई हैव सेट दैट इन माई रिव्यू एज वेल बट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब एंड जैसे thank आपने thank बोला thank कि जिस तरह के रोल आप चाहती हैं उस तरह के रोल आएंगे एंड आई होप कि बहुत जल्दी उस तरह के और रोल्स मिले एंड ये तो बाकी है ये फिल्म देखी है आपका काम दिखेगा बट थैंक यू वेरी मच गायर ज्वाइनिंग एस टूडेम सेम है थैंक यू एबीपी न्यूज थैंक यू सो मच थैंक यू Thank you.